केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री व हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र के होनहार खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका देने व उनमें छुपी प्रतिभा उजागर करने के मकसद से खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसके दूसरे चरण में बास्केटबॉल व कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड में किया गया। वहीं इस खेल महाकुंभ प्रतियोगिता के दूसरे चरण का शुभारंभ बिलासपुर सदर विधायक त्रिलोक जमवाल ने किया, जिसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं खेल महाकुंभ का आयोजन करते हुए जहां नन्हे डांस कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी, तो साथ ही प्रगति समाज सेवा समिति से जुड़े बच्चों ने भी विभिन्न तरह के कलाबाजियों का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। वहीं सांसद खेल महाकुंभ का पहला बास्केटबॉल मैच ऊना के अंब और बिलासपुर के घुमारवी की टीम के बीच खेला गया, जिसकी शुरुआत करने से पहले विधायक त्रिलोक जमवाल ने भी बास्केटबॉल गोल कर अपनी फिटनेस का परिचय दिया। वहीं सांसद खेल महाकुंभ के द्वितीय चरण की जानकारी देते हुए विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर के ये हमेशा से प्रयास रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के होनहार खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, और इसी सोच के साथ ही उन्होंने खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। सांसद खेल महाकुंभ का द्वितीय चरण इस संसदीय क्षेत्र का बिलासपुर सदर में यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज इसका शुभारंभ हुआ। पूरे संसदीय क्षेत्र से हमारे बच्चे यहाँ इस महाकुंभ में भाग ले रहे हैं। बच्चों में बहुत बड़ा उत्साह है। मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री सम्मान्य अनुराग ठाकुर जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि वो सांसद महाखेल कुंभ को अपने आप क्लोजली अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश भर में वाच कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये यहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ। मैं दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमने आज एक प्रस्तुति जो और बच्चों की देखी जो अद्भुत थी, जो सुनील जी ने एक बच्चों की टीम तैयार की है, वो एक अद्भुत प्रस्तुति जैसे हमने कभी वो टीवी में देखी होगी, वैसे हमारे बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत की। तो इस कहने का अभिप्राय है कि हमारे बच्चों में कितना टैलेंट है, केवल उसको निखारने की आवश्यकता है। यही काम बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी कर रहे हैं। उनके सौजन्य से यहाँ सब लोगों को, सब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, गांव-गांव में प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे बच्चों की प्रतिभा निखर कर बाहर आएगी। और मैं इन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करता हूँ।